ओह हाय, कैसे हो आप सब लोग। मेरे हिसाब से सब लोग बढ़िया होंगे और एक हैकर का गेम प्ले देखने आए होंगे, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि मैं एक हैकर हूँ। समझ रहे हो आप? वैसे हैकर लोगों को कोई टेंशन नहीं होता, यहाँ पे क्लॉक टावर पे आए हैं कोई बंदे नहीं। अरे यहाँ पे 6 या 7 बंदे आए हैं मेरे को पता है, बट आप सबको पता है ना हैकर लोग किसी को नहीं डरते। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अब वैसे अपने अंदर अभी रॉक की आत्मा घुस रही है, मतलब अभी ऊपर वाले बंदे को हेडशॉट पड़ेगा। सस्ता वाला 82 का ही हेड पड़ा। अरे थोड़ा सा हेड बचा, एक हेडशॉट। विश्वास हो गया ना, मैं बस यूं ही बीच में बॉडी शॉट मार रहा था ताकि लोग मेरे को हैकर ना समझ बैठे। वैसे तो यहाँ पर और भी सारे बंदे उतरे थे, बट मेरे को यहाँ पे क्या मिला, मेरे को ग्रोजा मिल गया। अब देखो, ग्रोजा से बंदों की खोपड़ी फोड़ना तो पक्का है। वैसे मेरे को बंदा नहीं दिख रहा, बट जहाँ पे भी दिखेगा उसको हेडशॉट। और यहाँ पे एक बंदा है और वो हेडशॉट। ये तो टट्टी है। अब वहाँ तुम लोग ये बोल सकते हो कि बंदा वहाँ पर देख रहा था, बट हाँ ये नहीं कि मैंने नहीं मारा, मैंने मारा यार, उसे हेडशॉट मारा है। जितने बंदों को भी मारूंगा मैं हेडशॉट मारूंगा, ये वाले बंदे को देखो। अरे यार एक गोली तो बचा है मेरी, इतनी बेइज्जती मत कर। चलो यार देखो, मैं इसको पास जाके हेडशॉट मारूंगा, कोई टेंशन। अरे यार रुक जा यार, थोड़ा सा गजब बेइज्जती करा रहा है यार ये वाला बंदा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ओ इसने डैमेज भी दे दिया मेरे को। यहाँ पर से लैंडमाइन लगा के मेरे को उस साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला बंदा मेरे पे रश कर सकता है। यहाँ पर मेडिकेट दूरी फिर से आ गया। कैसे जय हनुमान के अनुमान सागर। अब क्या टेंशन है, पहले के स्टार्टिंग के 3 बंदों को मार चुका हूँ, वो भी हेडशॉट से। मतलब कि मेरे से ज्यादा प्रो बंदा यहाँ पे है ही नहीं कोई, मतलब अब तो जिसको भी मारूंगा हेडशॉट ही मारूंगा। अब वैसे बंदा है कहाँ पर, ये छत के ऊपर एक बंदा था ना, उसको मारते हैं। चलो अरे मेरे को दूर से कोई एक बंदा मार रहा है, वैसे वो भी नूब होगा, क्या मारेगा मेरे को। मैंने 3 बंदों को हेडशॉट जो मारा है। वैसे यहाँ पर से चलो थोड़ा सा हील कर लेते हैं। वो साइड कुछ पड़ा है, अरे यहाँ पर SMG पड़ा है। SMG उठा नहीं, चलो फिर से उठाते हैं। और अरे ये कौन है, अब ये वाला गेम प्ले देखकर कुछ लोग हंस तो रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हर मैच में जीतता रहता हूँ। कभी कभी ऐसे रेयर मैचेस ऐसे होते हैं जिसपे कि मैं हारता हूँ। जो भी बोल सकते हैं, सब झूठ बोलो। ऐसे ये वाले मैचेस पे मेरे को कुछ ज्यादा ही प्रो प्लेयर्स दिख रहे हैं। ये यहाँ पे प्रो प्लेयर्स के भेष में कुछ अलग अलग लोग आए हैं। ये फोर्ड आया है। फोर्ड चाचा कैसे हो? अरे यहाँ पे सारे प्लेयर्स ऐसे खड़े क्यों हैं? यहाँ पे एक और फोर्ड चाचा। हेलो फोर्ड चाचा, तुम तो बिल्कुल बढ़िया होंगे भाई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला मैच में यहीं से बैक कर दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स बॉट आए हैं, पर मेरे को देखना है कि बॉट्स के साथ गेम खेलना कैसा लगता है। तो यहाँ पर ये वाला मैच अपन लोग आज खेलने वाले हैं। धक धक हो रहा है मेरे को भी। वैसे वो सब तो बात की बात है, पर यहाँ पे मेरा पिंग इतना हाई क्यों जा रहा है? अच्छा चलो, पिंग का प्रॉब्लम तो अभी मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, अब तो पिंग बिल्कुल सही है, अब तो बंदों की खोपड़ी फोड़ूंगा मैं। अच्छा एक चीज तो मैं आज एक्सपेरिमेंट जरूर से करूंगा, कि मैंने सुना था कि वॉर्स लोग के पास जाने से वो लोग भागने लग जाते हैं। Run. अरे मेरी माँ रुक जा, और नहीं भाग सकता मैं, इसको हेडशॉट मारूंगा। अब तो तुम सबको पता चल गया होगा कि आज तक के अंदर मैं हेडशॉट्स के नीचे बात ही नहीं करता, मतलब कि जिसको भी मारता हूँ चाहे वो प्रो हो चाहे वो बॉट्स हो, मैं उनको हेडशॉट के अलावा और कुछ मारता ही नहीं हूँ। वैसे यहाँ पर एक बंदा दिख रहा है, चलो इसको भी हेडशॉट मारते हैं। अरे यार जब मारने का होता है उसी टाइम बॉडी शॉट बजता है, गजब बेइज्जती है। अरे यहाँ पर ये लेफ्ट वाले साइड 2 बंदों का फाइट चल रहा है, बट पता नहीं तब से मर क्यों नहीं रहे ये लोग, ऐसा कौन सा फाइट चला रहे। अरे ये भी बॉट है। चलो ये बंदा फिर से भागने लगा है। वैसे यहाँ पे 2 बंदे थे, मतलब एक और बंदा यही कहीं होगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब ये वाले बंदे को मारने के बाद मेरे सामने दर्शन हुए 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ 2-3 बॉट दिखाई तो दिए, पर उसके बाद बॉट सारे खत्म होने लगे थे और इस मैच पे जो नॉर्मल प्लेयर बचे थे वो मेरे सामने आने लग गए थे। तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि जैसे ही मैं इन बंदों को रैंक मैच में देख के खुशी से मारे अंदर आ गया था, वैसे ही ये ध्रुवांश और ऐसे ही 2-4 बंदे जो थे वो बंदों को भी मारने लग गए थे। इस वजह से यहाँ पर मैच पे और सिर्फ बच गए थे 21 बंदे। अब मेरे को ये चीज पता नहीं चल रहा था, ये जो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो है कहाँ पर। गुड क्वेश्चन। यहाँ पर से अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी का आवाज आ रहा था और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी भी है, मतलब कि वो बंदा यहीं कहीं आसपास ही होगा, बट गाड़ी छोड़ के गया। अब चलो उसी के गाड़ी से उसी को मारते हैं। चीटिंग 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 करता है तू। वो बंदा अगर वहाँ पे गाड़ी छोड़ के गया तो ब्राजील के साइड पे ही गया होगा। यहाँ पर कोई एक बंदा है जो कि कैंप कर रहा है ये कोने पे, और अब यहाँ पे 2 चीज हुए। एक चीज तो बढ़िया है कि मेरे को इतने देर बाद एक ओरिजिनल प्लेयर मिला, और एक हंसी की बात यह है कि वो जाके वो कोने पे छुप रहा था।
ये सब तो नॉर्मल सी नौटंकी भरी बातें मैं कर रहा हूँ, पर असली में मैं ढूंढ रहा हूँ वो ध्रुपांश को, जो कि बहुत सारे बंदों को मार चुका है, और यहाँ पे किसी बंदे का फायर का निशान ही तो आ रहा था, और ये रहा बंदा। अब तो अरे ये ऊपर चढ़ गया, मेरे को हेडशॉट तो नहीं मार देगा ना, मैं बन चुका हूँ कौन, और ये हेडशॉट। अरे ये क्या, ये बंदे का नाम तो ध्रुपांश है। वैसे मैं ध्रुपांश को मार चुका हूँ, मतलब कि ये वाले मैच पे और मेरे अलावा और 6 ही बंदे हैं, और मैं पिछले बार की तरह ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस वाले मैच में मैं ऐसे मारा था, क्या बताऊँ। यहाँ पे किसी एक बंदे का फायर का निशानी आ रहा था अभी, बट वो बंदा कहाँ पे, अरे ये कौन है, अरे इसके पास डबल वेक्टर है, नहीं 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 मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। वैसे मेरे पास अभी वुकोंग है और है मेरे पास 11 बॉल, तो उस बंदे को चकमा ऐसे दूंगा कि वो अपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे वो वाला बंदा मेरे को अभी देख तो रहा है, बट मेरे ऊपर वो एम नहीं कर पा रहा है। ऐसे अब तो वो बंदा मेरे को देख सकता है क्योंकि मेरा वुकोंग खत्म, और वो बंदा इस घर के अंदर जा रहा है, बट मैं घर के अंदर नहीं जाने वाला। अरे ये बंदा पीछे कहाँ जा रहा है उसको पता भी नहीं, और मैं उसको हेडशॉट दे चुका। चीटिंग करता है। वैसे वो बंदा गया कहाँ, मेरे को मिल नहीं रहा। अरे ये कौन है, इसकी ऐसी तैसी, ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। भाई बच गया, पहले से ही बढ़िया मैंने उसको हेडशॉट मार दिया था, वरना तो इसने मेरा खोपड़ी खोल देना था अभी। वैसे भयंकर हालात देखकर मेरे को नहीं लगता कि भाग के जाना सबसे ज्यादा सेफ रहेगा, मेरे हिसाब से अभी मेरे को गाड़ी में ही ट्रैवल करना चाहिए। वैसे चलो मैं अभी यहाँ पे पकड़ चुका अपना लैम्बोर्गिनी, और कुछ ऐसा करते हैं कि गाड़ी से किसी एक बंदे को उड़ाते हैं अभी। खत्म। ऐसे पीछे वाले साइड तो कोई भी एक बंदा नहीं है, मेरे को लगता है जितने बंदे होंगे वो ब्रिज के साइड होंगे। सामने कोई एक भाग रहा है और ये धीरे धीरे करके भाग रहा है, और अब मेरे को गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरना क्योंकि मेरे अलावा अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा बचा है। अब मेरे को नहीं पता चल रहा है कि वो बंदा अभी जो है वो है कहाँ पर, वो शायद से आगे की तरफ हो सकता है, या ये पीछे की तरफ हो सकता है, या ये जमीन के नीचे भी हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं जमीन के नीचे तो नहीं हो सकता। मेरे को जितना लगता है कि ये गाड़ी से वो बंदे को पता चल जा रहा है कि मैं अभी हूँ कहाँ पर, इस हिसाब से मेरे को अभी गाड़ी से उतर के भाग के जाना पड़ेगा और ढूंढना। मेरे को जितना लगता है शायद वो बंदा अगर अभी होगा तो वो ब्रिज के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि वहां पर है जोन, और पानी की साइड तो हो भी नहीं सकता क्योंकि वहां पर मैं उसको इजिली मार सकता हूँ, तो शायद से वो ब्रिज के साइड हो सकता है। अब बंदा वहीं पे तो नहीं जिस बंदे को मैंने मारा था, वो सामने। अरे यहाँ पर थोड़ा, अरे ये कौन है, अब तो इसकी खैर नहीं, अब इसको चलो थोड़ा सा तंग करके मारते हैं। अब अरे उसने वॉल लगा लिया, चलो वॉल लगाने तो मैं उसके पास जाता हूँ, वैसे ही मेरा वुकोंग पूरा का पूरा अभी चार्ज है, अब मजा आएगा ना भिड़ो। अरे वैसे वो सामने जो बंदा है उसके ऊपर चलो ग्रेनेड डालते हैं। चैन कुली की मैन कुली, मेरे ग्रेनेड अपना पावर दिखा दे। वैसे मेरा ग्रेनेड तो कुक हो चुका है, और अरे उसको 67 का डैमेज पड़ा। अब उस बंदे के साथ फ्रेंडशिप करेगा? अरे नहीं नहीं, वो बंदा तो मेरे को मारने भी तुला है, उसके पास भी उगाओगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अब चलो कैसे भी करके मुझे उसे मारना पड़ेगा। हाँ हाँ, कहाँ निकल रहे हो, वीडियो कैसा लगा वो चीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट पर बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो छोटा सा जो लाइक का बटन है उसे दबाओ। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए ताजे एंड फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।